वेलकम टू जॉन ग्लोबर बाइबल स्टडी। इज़राइल के पहले राजा का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, यीशे नामक के एक व्यक्ति को ढूंढ, उत्तरों में से एक नया राजा होगा। शमूएल को यीशे बैतलहम में मिला। उसने यीशे के 7 पुत्रों को देखा, वह सुंदर बलवान दिखते थे। उनमें से कोई ने परमेश्वर ने कहा, मैं बाहरी रूप नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति का आंतरिक दिल की परवाह करता हूँ। यीशे ने उसके सबसे छोटे बेटे को संदेश भेजा जो खेतों में बेड़े चला रहा था। शमूएल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा, वही है। इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया। कुछ समय बाद इसराइलियों ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया। वह दानव पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इसराइलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजने के लिए कहा, पर सभी इसराइली डरे हुए थे। दाऊद सेना में उसके भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसने गोलियत को चुनौती सुनी और डरा नहीं। परमेश्वर की सेना का अपमान करने उसकी इतनी हिम्मत, दाऊद ने कहा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। अचंभित हुआ राजा शाऊल ने दाऊद को अपने शस्त्र देने के लिए पेशकश की। नहीं, दाऊद ने कहा, परमेश्वर में जंगल जानवरों को मारने में मेरी सहायता की है, वह गोलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा। दाऊद ने 5 पत्थर और एक गोफन लिया। क्या मैं एक कुत्ता हूँ गोलियत दहाड़ा, तुमने मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक छोटे से लड़के को भेजा, तेरे पास एक बाला है, दाऊद ने कहा, पर मेरे पास इज़राइल के परमेश्वर की सहायता है। दाऊद ने गोफन में पत्थर डाला और घुमा कर मारा, यह गोलियत के माथे पर लगा और उसे नीचे गिरा दिया। इसराइलियों ने पलिश्तियों को हरा दिया। परमेश्वर की सहायता के साथ दाऊद एक हीरो था।